श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। प्रथम चरण के चुनाव में कुछ दिन जब शेष बचे हैं, इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपनी पहली चुनावी रैली करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली चुनावी रैली होगी और इस रैली में लोग भी उपस्थित रहेंगे। पीएम ने अभी वर्चुअल तरीके से चुनावी कार्यक्रम को संबोधित किया है। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि जमीन से पीएम मोदी की चुनावी हुंकार आज बिजनौर में 3 जिलों की 18 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश सिर्फ बिजनौर से। और ये भी एक ट्विस्ट एंड टर्न है, आपको बता सकते हैं कि बिजनौर में 14 फरवरी को मतदान है, यानी कि दूसरे चरण में मतदान है। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार पंजाब में सुरक्षा में चूक हुई उसको देखते हुए। जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मोदी जी को देखने के लिए और मैं प्रे करती हूँ कि वो विन करें और हम लोग सब उनके लिए विन करने के लिए प्रे करते हैं। और बिजनौर जैसे जनपद में आना, क्योंकि ये बिल्कुल उत्तराखंड की सीमा पर है, तो बिजनौर वासियों के लिए बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि मोदी जी आज हमारे बीच हैं। हम तो बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे बीच में आए हैं। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि हम उनको देख पाए, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनको देख पा रहा हूँ। तो यूपी के रण में आज ओंकार बिजनौर से रैली की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर से विजय ओंकार रैली का इन सीटों पर पड़ेगा असर। बिजनौर, चांदपुर, नगीना पर सीधा असर पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि तीन जिलों की 18 विधानसभा पर सीधे असर डालने के लिए नजीबाबाद, नहटौर, बढ़ापुर पर भी पड़ेगा असर चुनावी हुंकार से। आज 2017 में 8 सीटों में से 6 पर भाजपा जीती थी। 2017 में बता दें सूची जीती थी और इस बार भी इनको बिजनौर से इन्हीं को टिकट मिला है बीजेपी में। दूसरे चरण में मतदान होगा। यूपी के रण में मोदी उतरे हैं, तो चुनावी रणनीति के जरिए सभी सियासी दलों ने बड़े चेहरों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतार दिया है। और फिजिकल रैली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कुछ देर पहले हमने लोगों की बाइटें भी सुनाई कि लोग उत्साहित हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं उनके बीच। और देश के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। यूपी में आज बिजनौर में ये पहली रैली है नरेंद्र मोदी की। इससे पहले नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैलियां की हैं और आज बिजनौर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। ये दूसरे चरण का मतदान यहां पर होना है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बिजनौर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और बाकी दूसरे जिले हों, वहाँ पर जो यहाँ रैली होगी उसका असर जरूर देखा जाएगा। इसको देखते हुए आज यहाँ पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल है और उसकी वजह से जो मैदान है पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा गया है। वह मुश्किल 3-4 हज़ार कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक केवल 1,000 लोगों को ही इसी तरह फिजिकल रैली में शामिल किया जा सकता है। आज करीब 2 बजे नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, ये बताया गया है। हालांकि उनका जो प्रोटोकॉल के तहत टाइमिंग है वो 11:20 है, लेकिन कोरोना का जो वजह है उसकी वजह से यहां पर अभी भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं जुट पाई है। जितनी कुर्सियां हैं वो भी अभी खाली हैं। इसके अलावा कोहरा बहुत ज़्यादा है दूरस्थ इलाकों में, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर, तो इसलिए धीरे धीरे करके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और ये भी वजह है कि अभी कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ने में दिक्कत होगी। इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि 2 बजे से पहले यहाँ पर नरेंद्र मोदी नहीं लैंड होंगे और प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रैली में शामिल होंगे। सीएम योगी की यहाँ से पहले 2 रैलियाँ मुजफ्फरनगर में हैं, जिसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि उनकी जो दूसरी रैली है वो 2 बजे खतौली में है, उसके बाद वो यहाँ की तरफ आएंगे और तभी नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे। ये इतनी भीड़, इतना जोश जो है कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, जो लगातार जय श्री राम के और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आप, कहाँ से आए हैं आप? बिजनौर से, लोकल। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो तो जबरदस्त रहा पिछले चुनाव में, इस बार क्या उम्मीद लगा के चल रहे हैं? 100% मैजिक रहेगा मोदी का। और
जो मोदी जी वर्ल्ड फ्रेम के एक ऐसे पहले पीएम हिंदुस्तान के हुए हैं कि उनके अलावा आज की तारीख में वर्ल्ड में कोई उन जैसा प्रधानमंत्री नहीं है, ना कोई होगा, ना होगा। क्या कह रहे हैं? देखिए, सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारी ये योगी मोदी आदरणीय जी इनकी सरकार में और महिलाओं को सेफ्टी हुई है, किसान बहुत संतुष्ट है। 2000 रुपए के हिसाब से किसान को मानदेय दिया जाता है, उसमें सब प्रसन्नचित हैं, समय पे पेमेंट होता है। किसान ही नाराज है, संयुक्त किसान मोर्चा उतर गया है इस अखाड़े में, चुनावी अखाड़े में, और कहा है कि बीजेपी को सजा दें। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट है, समय पे पैसा मिलता है, समय पे सब भुगतान किया जाता है, और सब किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, सबका साथ सबका विकास है। इसीलिए हम तन मन धन से बीजेपी के साथ हैं और तन मन धन से सब हम जो है बीजेपी को समर्थन करते हैं। जो कार्यकर्ता है उनका जोश जो है वो देखते ही बनता है। हालांकि किसानों की जो नाराजगी है उस पर कार्यकर्ता दूसरी तरह की बात कह रहे हैं, जबकि जो तथ्य है वो दूसरे तरह के हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का जो नाराजगी है उसका बड़ा असर देखा जा रहा है। उसको देखते ही इस चुनाव में 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखते हैं कि जो मोदी का चेहरे का जो मैजिक है वो कितना इस चुनाव में असर करता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बिजनौर। तो बता दें कि पीएम आज विजय मंत्र देंगे, पीएम का बिजनौर दौरा, और जैसा हम बता रहे हैं आपको कि इन 18 सीटों पर सीधे असर डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार फिजिकल